जसबीर सिंह एसीपी स्पेशल सेल की सुपरविजन में और इंस्पेक्टर विवेकानंद पाठक व इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह के नेतृत्व में नॉर्दर्न रेंज स्पेशल सेल टीम ने फेसबुक समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेब पेज बनाकर हथियार बेचने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया है। आरोपियों की पहचान बड़वानी मध्य प्रदेश निवासी बबलू सिंह और राजेंद्र सिंह बरनाला के रूप में हुई है। यह गैंग फेसबुक पर खालिस्तान 2020 नाम से ग्रुप बनाकर हथियारों की सप्लाई कर रहा था। यह खासतौर से खालिस्तानी आतंकियों को ही हथियार देता था। आरोपियों ने वेब पेज बनाकर बाकायदा वर्चुअल मोबाइल नंबर, इंटरनेट कॉलिंग नंबर दे रखे थे, जिन पर हथियारों के ऑर्डर लिए जाते थे। इनके पास से 18 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स, 60 कारतूस, मोबाइल हैंडसेट्स और सिम कार्ड्स बरामद हुए हैं। पुलिस दोनों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है। स्पेशल सेल के पुलिस उपायुक्त संजीव कुमार यादव ने बताया कि करीब एक वर्ष से उनकी टीम खालिस्तान समर्थकों पर नजर रख रही थी। छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि कुछ खालिस्तानी समर्थक मध्य प्रदेश के हथियार तस्करों के संपर्क में हैं। बदमाश फेसबुक समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेब पेज बनाकर हथियारों की सप्लाई कर रहे थे। पेज पर खालिस्तान समर्थकों को सपोर्ट करने की बात लिखी थी। पेज पर कुछ वर्चुअल नंबर भी मिले। जांच में पता चला कि पेज पर हथियारों की फोटो और वीडियो शेयर की जाती थी। उसको देखकर बदमाश वर्चुअल नंबर पर संपर्क कर ऑर्डर देते थे। स्पेशल सेल टीम ने टेक्निकल इनपुट्स का उपयोग करके हथियार तस्करों का एक नया मोबाइल नंबर निकाला। मिले मोबाइल नंबर का एनालिसिस और मैनुअल सर्वेलेंस से नंबर इस्तेमाल करने वाले हथियार तस्करों की पहचान की गई। आरोपी दिल्ली NCR के अलावा पंजाब, हरियाणा और UP में भी हथियार सप्लाई कर रहे थे। स्पेशल सेल नॉर्दर्न रेंज की टीम टेक्निकल और मैनुअल सर्वेलेंस से हथियार तस्करों की मूवमेंट्स पर नजर बनाए हुए थी। टीम को सीक्रेट सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिली कि दिनांक 25 अगस्त 2021 को बड़वानी मध्य प्रदेश निवासी बबलू सिंह और राजेंद्र सिंह बरनाला हथियार सप्लाई करने शाम करीब 7:30 से 8:30 के बीच कराला बरवाला रोड रोहिणी के पास आने वाले हैं। स्पेशल सेल ने जाल बिछाकर शाम लगभग 7:35 कराला बरवाला रोड रोहिणी से हथियार तस्कर राजेंद्र सिंह बरनाला और बबलू सिंह दोनों को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान 18 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल और 60 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। आरोपी राजेंद्र सिंह के बैग से 12 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और आरोपी बबलू सिंह के बैग से 6 पिस्टल व 60 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इनके पास से इल्लीगल आर्म सप्लाई एक्टिविटीज में इस्तेमाल कई मोबाइल हैंडसेट और कई सिम कार्ड भी बरामद किए गए। इंटेरोगेशन में राजेंद्र सिंह ने खुलासा किया कि मध्य प्रदेश के बड़वानी, बुरहानपुर, धार और खरगोन जिलों में इल्लीगल वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग करना वहां के स्थानीय निवासियों का पुश्तैनी धंधा है। इनके गांव के कई लोग पीतल को भट्टियों में पिघलाकर और आकार देने के लिए सांचों का उपयोग करके इल्लीगल वेपन्स के धंधे में लगे हुए हैं। राजेंद्र सिंह ने आगे खुलासा किया कि वो अपने भाई नरेंद्र सिंह के साथ पिछले कई वर्षों से पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली सहित देश के विभिन्न हिस्सों में इल्लीगल वेपन्स की सप्लाइंग में लिप्त है। वो अपने मालवाहकों के जरिए दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा, MP आदि में अवैध हथियारों की कंसाइनमेंट्स भेजता था। पूछताछ में उसने आगे बताया कि उसका भाई ने खालिस्तान मूवमेंट्स और देश भर के विभिन्न गैंगस्टर्स के सोशल मीडिया पेजेस को ज्वाइन किया है। इन सोशल मीडिया पेजेस में इम्पोर्टेंट है लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का SOPU और झारखंड के अमन साहू और सुखा। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े कुछ खालिस्तान टेररिस्ट्स और गैंगस्टर्स ने उनसे हथियार खरीदे हैं। इंटेरोगेशन में यह भी पता चला कि राजस्थान के रहने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 सदस्य राजू और जीतू ने हथियार तस्कर राजेंद्र और उनके भाई नरेंद्र को वेब पेज क्रिएट करना, सोशल मीडिया और पुलिस से बचने के लिए वर्चुअल नंबर का यूज करना सिखाया था। इंटेरोगेशन में इन्होंने बताया कि अमन साहू झारखंड का एक बड़ा गैंगस्टर है। वह झारखंड के लातेहार के कोयला क्षेत्र में रंगदारी के विभिन्न केसेस में शामिल है। इलाके में रंगदारी ने देने वाली कोल कंपनीज और ट्रांसपोर्ट कंपनीज पर गोलीबारी की घटनाओं को अंजाम देने के लिए हथियार तस्कर राजेंद्र और नरेंद्र सहित मध्य प्रदेश के अन्य और तस्करों से इल्लीगल वेपन्स खरीद रहा है। राजेंद्र सिंह से इंटेरोगेशन में यह भी पता चला है कि वो पंजाब में खालिस्तान एक्टिविस्ट को इल्लीगल वेपन्स की सप्लाई करता था। उसने आगे खुलासा किया कि पुलिस और एनफोर्समेंट एजेंसीज को चकमा देने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप आदि जैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने ऐप आधारित वर्चुअल नंबर का भी इस्तेमाल किया ताकि पुलिस द्वारा उनके स्थान का पता नहीं लगाया जा सके। उन्होंने विभिन्न सोशल मीडिया ऐप पर इल्लीगल फायर आर्म्स की पिक्चर्स, रेट्स और वर्चुअल नंबर पोस्ट किए ताकि खरीदार उनसे संपर्क कर सके। हथियार तस्कर राजेंद्र सिंह और उसके भाई द्वारा मैन्युफैक्चर पिस्तौल गुणवत्ता में इतनी अच्छी है कि इन पिस्तौलों के बीच सरकारी आयुध डिपो के कारखाने में निर्मित पिस्तौल के बीच अंतर करना मुश्किल है।
राजेंद्र सिंह ने खुलासा किया कि एक पिस्तौल बनाने की लागत मुश्किल से 7,000 आती है, जिसको यह 25,000 से 50,000 बीच बेचते थे। राजेंद्र सिंह एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता है। इसने 5वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की है। इसके पिता गांव में इलीगल आर्म्स तैयार करते थे। राजेंद्र सिंह अपने भाइयों के साथ देश के विभिन्न हिस्सों में इलीगल आर्म्स की तस्करी में लिप्त रहा है। राजेंद्र और उनके भाई नरेंद्र सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय है और खालिस्तान आंदोलन के कई पेज और कई गैंगस्टरों से भी जुड़े हैं। राजेंद्र सिंह और उनके भाइयों ने असामाजिक तत्वों को अपनी इलीगल आर्म्स बेचने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। राजेंद्र सिंह पहले 2 आपराधिक मामलों में शामिल है। बबलू सिंह भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता है। बबलू सुअर पालन करता था। वह ताले की मरम्मत भी करता है। राजेंद्र उसका दूर का रिश्तेदार है, जिसने उसे इलीगल आर्म्स बेचकर जल्दी पैसा कमाने के लिए इलीगल वेपन्स क्षेत्र में लालच दिया। बबलू ने राजेंद्र के साथ काम करना शुरू कर दिया। उसने राजेंद्र के निर्देश पर इलीगल वेपन्स की कई कंसाइनमेंट सप्लाई की। बबलू पहले भी मध्य प्रदेश में एक आपराधिक मामले में शामिल रहा है। आगे की जांच जारी है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।